गुड मॉर्निंग गाइस, आज 26 जनवरी है तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आज मॉर्निंग में ही सुबह सुबह 10 बजे मेरे घर की हो गई गैस खत्म। आज हमको करना पड़ेगा काम, खर्रा वाला क्या छत पे आके फाट पड़ेगी लकड़ियां, अब बनेगा खाना चूल्हे में क्योंकि वो हो गई है भाई गैस खत्म। तो आपको दिखाते हैं भाभी हमारी क्या कर रही है। भाभी गैस खत्म होने के बाद सफाई कर रही है। भाई हमारा भतीजा पुल्लू भाई क्या कर रहा है, दो दो फ्रिज क्यों खिला है गंदा चीज, ए पानी मैंने हाथ ही। ए भाई गाड़ी बाहर निकाल रहा घर से, मेरी मम्मी कम्बले जा रही है अभी। तो गाइस हम छत पे पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा हथौड़ा, बस छेनी ढूंढने की देर है, छेनी की ढूंढ लो लकड़ी, तो हमारे पास देखो लकड़ी लकड़ी है कितनी सारी। तो गाइस छेनी छेनी ढूंढिए, ए लकड़ी जरूर उड़ाए। तो गाइस पहले हम एक बल्ली उठाते हैं फाड़ने के लिए कोई भी एक। तो गाइस हमने लकड़ी ले ली, ये लकड़ी का टुकड़ा है, अब इसे हम फाड़ेंगे। तो गाइस हमने लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया है, अब छेनी ढूंढ रहे हैं, छेनी ढूंढने के बाद फिर लकड़ी को फाड़ना शुरू करते हैं। और ये हमारा भतीजा पल्लू, हाय हाय करो अच्छे, हाय करो अच्छे, इस पे हाय करो अच्छे, हाय करो, देखो हाय कर रहा है गाइस आपको। तो गाइस छेनी तो मिली नहीं, अब दूसरा तरीका निकालते हैं इस बल्ली को तोड़ने का, ठीक है। गाइस हम इस बल्ली को पहले उठाते हैं इस तरीके से, हम इसको दीवार के सपोर्ट से रखेंगे, पहले ये रखी हमने दीवार के सपोर्ट पर इस तरीके से। अब लेके आएंगे हथौड़ा, अरे हमारे भतीजा तोड़ेगा, ये देखो इसने ले लिया हथौड़ा, पल्लू हथौड़ा दो लाओ, ए महाबली ले लिया हमने इससे, ले लिया हमने इससे हथौड़ा, अब तोड़ेंगे हम बल्ली, तोड़ा तोड़ा, देखो बल्ली कैसे तोड़ती है। नहीं टूट जाऊंगी, यस I got it। अब इसको पीछे तो फाड़नी है, देखो गाइस अब इसको पीछे फाड़ेंगे, जमीन ना फटे इसको फाड़ते फाड़ते, ऐसा लग रहा है नहीं जमीन फट जाएगी ऐसा। अब बिना छानी के हम कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। तो गाइस अभी हमारे मोबाइल का स्टोरेज हो गया था फुल, अभी मैंने बहुत सारी वीडियो डिलीट करी है क्योंकि बहुत सारी वीडियो उसमें बन के रखी थी, मैं सेफ मैंने डिलीट नहीं करी थी, अभी मैंने डिलीट कर दिया। अब हम ढूंढते छानी, क्योंकि बिना छानी के और लकड़ी फटेगी नहीं आगे, और लकड़ी फटेगी नहीं तो चूल्हे में जलेगी नहीं, चूल्हे में जलेगी तो खाना बनेगा नहीं, खाना बनेगा तो भूख लगेगी, 26 जनवरी खाली थोड़ी निकल लें, कुछ तो बनाना अच्छा। चलो छेनी ढूंढते हैं, जो मदद कर रहा है छेनी ढूंढने में। पुल्लू छेनी मिली नहीं, नहीं मिली, जो कह रहा मेरे को नहीं मिली, जो कह रहा है ये तो, चलो कोई नहीं इसको नहीं मिली हम ढूंढते हैं। तो गाइस बड़ी मुशक्कत के बाद हमें ये छेनी मिली है, वो भी इतनी छोटी सी है, और इससे देखो कितनी बड़ी लकड़ी फाड़ेंगे, इसको रख लेता हूँ अपनी जिम में। अब लेके जाएंगे हम अपने बाबू के लिए थोड़ा सा पानी पीने के लिए, तो चले छत पर। तो गाइस हम छत पे पहुंच चुके हैं और छेनी हमारे हाथ में आ चुकी है, अब हम लकड़ी को फाड़ना शुरू करते हैं। तो गाइस हम जो ना थोड़ी स्टार्ट करते हैं लकड़ी फाड़ने का काम। गाइस जो हो गए लकड़ी के दो टुकड़े, ये लो। तो गाइस देख रहे हो बड़ी मेहनत का काम है, ये भी करना बाट लग गई इसमें हमारी। तो गाइस दूसरी लकड़ी मेरी फट चुकी है। तो गाइस अब तक हम दो लकड़ी फाड़ चुके हैं, उसमें हमारी बाट लग गई है, बड़ी मेहनत का काम है, इतनी आसान नहीं होता लकड़ी फाड़ना, तो मैं एक समझते थे और पता हल्ला कैसा होता है, घर में गैस खत्म होने के बाद इतनी भारत होती है। गैस बुकिंग पे तो लगा दी, अब आएगी आएगी जब भी, अभी खाना बनाने के लिए चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, गाँव वाला देसी नुस्खा।
तो गाइस आखिरकार फाइनली सारी लकड़ी फाड़ चुका हूँ। ये देखिए हाथ में लगी हुई है, वाट लगी बहुत भयंकर। और देखो अब गर्म गर्म चूल्हे पे खाना बनेगा। चूल्हा भी हमने ईंटों से बना रखा है, आपको दिखाते हैं। ये गाइस हमारा चूल्हा ईंटों से बना हुआ है, इसमें तवा भी रखा हुआ है जो हमारी भाभी जो इस पर बैठ के खाना बनाएगी। वही देखो कितनी मेहनत की थी, दिखा दे सबूत। वो मेरा भतीजा बोलो बाबू, देखो सफाई करने में लग गया अपने सफाई अभियान में। मोदी जी का वक्त अभी बज रहे सुबह के 11:15 यानी कि 10:45। मेरे को फाड़ने में कम से 15 मिनट लग गए इसको लकड़ी में। खाली एक लकड़ी थी, एक लकड़ी फाड़ने में 15 मिनट लग गए। सोचो कितनी मेहनत का काम है। देखो गाइस ये हमारा शीरो है जो सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। ऊपर इसको उसको नहीं लेके जा रहे क्योंकि चूल्हा जल रहा है, खाना भी नहीं बनेगा। तो हाथ पैर डालेगा उसमें, मुंह डालता है। शीरो क्या हुआ? शीरो बहुत घबरा रहा है, हमारे पुल्लू से घबराता है ये, जो उसको मारता है। शीरो मारता है, पुल्लू मारता है। सरसों का तेल, इससे बनेंगे पराठे। देखो शीरो तेल को भी चाहता है, खा लूं मैं इसको भी। ये हमारी भाभी लग जा रही है लेके खाना बनाने के लिए। तो गाइस देखो ईटे के चूल्हे पे किस तरह के पराठे सिक रहे हैं, और देखो कितने बढ़िया तरीके से सिके, एकदम स्वादिष्ट वाले। अच्छा थोड़ी देर में हम खाने वाले हैं, उससे पहले अपना एक काम करने जाएंगे। जब बज रहा है 11:30, हमारी बाइक में एक प्रॉब्लम आ गई थी हॉर्नेट में, बैटरी की दिक्कत आ गई थी, स्टार्ट खराब होता चार्ज डल रहे थे हमने उसमें। अब उसकी बैटरी का बिल मांग रहे हैं, तो अब हम बैटरी का बिल मेरे पास है, उसको लेके चल रहे हैं सबमिट करने फोटो स्टेट कराकर। तो चलते गाइस। तो गाइस हम प्रॉपर रेडी हो गए हैं, हेलमेट लगा के मास्क लगा के अब चलते हैं बाइक से। अपनी बाइक को थोड़ा सही भी कराना है, हल्का सा पाइप वगैरह इसका मीटर सेट कराना है, और इसका जो बिल है वो दिख गया। तो गाइस हमने इसकी फोटोकॉपी करा ली है, अब चलते हैं हम सर्विस सेंटर लोकल। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी बैटरी की वर्कशॉप पर, अब अपनी गाड़ी की बैटरी चेंज कराते हैं। तो गाइस इसमें बैटरी फाइनली लग चुकी है प्रॉपर, अब इसका सीट कवर लगाया जा रहा है। तो गाइस हम घर पे पहुंच चुके हैं गाड़ी को सही करा के, अब हाथ वगैरह धोएंगे, उसके पहले पहले पेट पूजा, फिर नहाने जाएंगे। अभी 12:30 बज रहे हो, मैं नहाया था सर्दी में, एक दिन छोड़ के नहाना चाहिए ना, सर्दी लग जाएगी वरना। तो गाइस हमने थाली लगा ली है, अब इसमें खाना रखते हैं। जब हम थाली ले आए हैं, अब अपने रूम में आ गए हैं बाहर वाले, अब इसमें बैठ के खाते हैं। खाना खाने के बाद हम जाएंगे नहाने। यार वैसे ठंड बहुत होती होती है यार, हल्की सी ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, मजबूरी है, नहाना तो पड़ेगा ना, गंदा भी अच्छा ही लगता, लोग क्या बोलेंगे। चलो पहले खाना खाते हैं, उसको नहाते हैं। तो गाइस अभी 8 बज रहा है रात का, मैं पूरे दिन भर में आराम से मस्त सोया। 26 जनवरी मैंने सोकर बनाई खाना खाने के बाद। अभी मैं जिम में आया हूँ, और जिम भी हमारी कंप्लीट हो गई है। जो हमारे दोस्त हैं जो अभी प्रोटीन ले रहे हैं, दिखाता हूँ क्या प्रोटीन ले रहे हैं दोस्तों। ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जो प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन में देखिए बंदक ना करो, प्रोटीन ले रहा है, बड़े भयंकर आइडिया है। चलो कोई नहीं छोड़ो, अब इसके बाद हमारा काम रहेगा लॉन टेनिस खेलना। लॉन टेनिस खेलने के बाद हमको लगेगी बड़ी थी भूख, तो भूख के लिए हम चलेंगे स्ट्रीट फूड खाने। लास्ट टाइम अभी स्ट्रीट फूड खाने गए थे, बट क्या हुआ लॉकडाउन तो मैं भूल गया था, बट इस बार तो याद है लॉकडाउन नहीं है, तो हम चलेंगे स्ट्रीट फूड खाने। वही खाएंगे जो लास्ट टाइम हमने बोला था, मोमोज। ओके गाइस पहले पहुंच चुके अपने स्टॉल पे सेक्टर 8, खाएंगे मोमोज फ्राई, फुल वेज मोमोज लगाएंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम सचिन है। सचिन, अच्छा भैया गुड नेम। तो जो हमारे लिए फुल फ्राई मोमो लगाएंगे। हमारे मोमोज फ्राई हो चुके हैं, अभी प्लेट में लगने वाले हैं। ये आ गए गर्मा गर्म। ये आ गई हमारी चटनी तीखी वाली, म्यूनिस वगैरह भी लाओ। हाँ ये म्यूनिस भी दे दीजिए भैया, ये हरी चटनी। ये हमारे चाउमीन वाले भैया जो गर्म गर्म चाउमीन तेल रहे हैं तेल में।
ये आ गए हमारे म्यूनिस। इसके बगैर तो मोमोज में मजा नहीं आता खाने का। अब थोड़ा गरम चाट मसाला लिया जाए ऊपर से डालने के लिए। अगर हम टेस्ट करने वाले हैं मोमोज, रेड चिली से करेंगे। तो गाइस हमने फ्राई मोमोज खा लिए, अब हम खाने आए हैं एग रोल। ये हमारे दोस्त ये एग रोल बना रहे हैं, हमारे भाई हैं ये एग रोल बना रहे हैं। खाएंगे डबल एग का एक एग रोल। देखो ये तैयार हो रहा है, ये भाई बना रहा है। भाई आपका नाम? शर्म आ रही है उनको नाम बताने में। शर्म आ रही है नाम बताने में। शर्मा के भाई हमारा चला गया दूर। हमारे रोहित भाई जो लगाए हुए हाथ, ये हमारे मोनू भाई जो हाफ फ्राई बहुत मस्त बनाते हैं। फाइनली हमारा एग रोल आ गया है हीरा। अब इसको हम खाते हैं, खाने के बाद जाएंगे फिर घर, क्योंकि घर में नहीं बना खाना, क्योंकि उसमें हो चुका था चूल्हा गैस खत्म, सॉरी चूल्हा नहीं गैस खत्म। तो गैस हमने एग रोल फिनिश कर लिया, अब हम घर के लिए निकलते हैं। निकलते हैं घर के लिए। तो गैस अब हम फाइनली अब घर पे पहुंच चुके हैं। अब हमें खाना खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पेट हो चुका है फुल, क्योंकि घर में नहीं है गैस, तो मच गई चुल। बस अब आपसे एक चीज कहनी है, आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज।